वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाब न्यूज़ वेख रहे सारे ही दर्शकों का मैं हरविन कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत कर लें हेडलाइनस के नाल। डिब्रूगढ़ जेल दे विच भुख हड़ताल कर रहे भाई बसंत सिंह, भाई कुलवंत सिंह राउकी अते भाई हरजीत सिंह जल्लूपुर की हालत काफ़ी खराब। परिवारिक मैंबरां वलों सिंघां नूं पंजाब लियाउण दी कीती जा रही है मंग, पर पंजाब सरकार वलों मामला कीता जा रहा है अणदेखिया। सिंघां दे हक दे विच प्रदर्शन कर रहे आगूआं नूं भी नहीं बख्श रही सरकार। रेलां रोकण जा रहे सरदार सिमरजीत सिंह मान समेत कई होर आगूआं नूं पुलिस ने कीता घरां दे विच नज़रबंद। अज दूजे दिन भी पंजाब विधानसभा विच वेखण नूं मिलिया भारी हंगामा। सदन की कार्रवाई शुरू हुंदे ही भगवंत मान अते प्रताप सिंह बाजवा विचाले वेखण नूं मिली तिखी बहस। दोहां विचाले होई तू तू मैं। सरकार खिलाफ मुर्दाबाद दे नारे लगाउंदे होए कांग्रेसियां ने सदन दे विचों कीता वर्कआउट। कहा सत्ता दे नशे विच चूर होके भगवंत मान विधानसभा की कार्रवाई का कर रहा है उलंघन। भाजपा के कुलजीत सिंह संधु बने सीनियर डिप्टी मेयर, राजेंद्र शर्मा होणगे डिप्टी मेयर। दोवें अहुदिआं की चोण विच भाजपा ने की जित हासिल, कांग्रेसियां ते आप वालिआं दे गठजोड़ का निकलिया जलूस। हुण खबरां विस्थार दे नाल। असाम की डिब्रूगढ़ जेल दे विच नज़रबंद ते भुख हड़ताल कर रहे सिंघां दी हालत काफ़ी खराब हो चुकी है। पिछले काफ़ी दिनों तो सिंघां दे परिवारक मैंबर भी भुख हड़ताल उत्ते बैठे हुए हैं, पर पंजाब दी भगवंत मान सरकार इस मामले नूं अणदेखिया कर रही है। इस पूरे मामले संबंधी वेख लैंदे आ ताज़ा हालातों उत्ते एक खास रिपोर्ट। धर्म का प्रचार अते पंजाब दे हकां दी गल करन वाले भाई अमृतपाल सिंह अते उनां दे साथियां उते जिस तरीके दे नाल पंजाब सरकार ने NSA लगा के डिब्रूगढ़ जेल दे विच भेज दिता है, उस नूं लै के हुण मामला यह लगातार भखदा जा रहा है। भाई अमृतपाल सिंह दे माता जी बीबी बलविंदर कौर ने कहा है कि सरकार ने भाई अमृतपाल सिंह नूं पंजाब लियाउण तों कोरा जवाब दे दिता है। उन्हां कहा है कि डिब्रूगढ़ दे विच 16 फरवरी तो भुख हड़ताल उत्ते होण कारण भाई बसंत सिंह, भाई कुलवंत सिंह रौंके अते भाई हरजीत सिंह जल्लूपुर की हालत काफ़ी खराब है। इस मौके गलबात करदिआं श्री अकाल तख्त साहिब दे सरबराह ने भी कहा है कि बीते 15 दिनों तो साढ़े नौजवान अते उन्हां दे परिवार भुख हड़ताल उत्ते बैठे ने, पर सरकार का कोई भी नुमाइंदा इन्हां परिवारां दे नाल गल करन जां हाल पुछण लई भी नहीं आया। उन्हां कहा है कि आज़ाद भारत विच खासकर सिखां नूं हकी मंगां मनवाउण लई रोस मार्चां अते भुख हड़तालां दा सहारा लैणा पै रिहा है। लोकतंत्र विच अजिहा नहीं हुंदा। सिंह साहब ने कहा है कि सरकार नूं इन्हां परिवारां नाल गल करनी चाहीदी है अते इन्हां दीआं जायज़ मंगां मनणियां चाहीदियां ने। ते उधर अज श्रोमणी अकाली दल अमृतसर तो प्रधान सरदार सिमरनजीत सिंह मान दे वल्लों भी सिंघां दे हक दे विच रेलां रोके जाण दी काल दित्ती गई सी, पर पुलिस प्रशासन दे वल्लों पहला ही सरदार सिमरनजीत सिंह मान समेत होर आगूआं नूं घरां दे विच नज़रबंद कर दिता गया, जिस तों बाद सरदार मान ने पंजाब सरकार की इस कार्रवाई की सख्त शब्दों विच निखेधी की। सारे नाल गलबात करो जी, सारे नूं लेके आओ अंदर, पर उन्हां नूं सज़ा भी तो होगी, उन्हां नूं भाई साहब सज़ा भी तो होगी ना, पर उन्हां नूं फिर सोसाइटी दे विच आपां इंट्रोड्यूस करांगे। ये तो नहीं है कि तुसी रिपोर्टर हो तुहानूं पता ही नहीं तुहानूं आके गोली कोई मार दे, ऐं तां नहीं ना होना चाहिए। समाज दे विच गोली तां वजनी चाहिए है जे किसी नूं शिकायत होवे जां किसी नूं दबका आवे जां कुछ आवे, चुप करके कोई मार जांदा है। इहो जिहा इह पंजाब थोड़ी आपां चाहुंदे। हरियाणे दे विच देख लो किन्ने कतल हो गए, राथी दा कतल हो गया जिहड़ा इह लीडर सीगा, फिर अज फिर एक सरपंच नूं मारता, एक गुड़गांव दे विच बंदा मारता है। भाई अमृतपाल सिंह दे वकील इमान सिंह खारा दा बयान भी सामने आया। उन्हां कहा है कि पंजाब सरकार ने ही सिंघां उत्ते NSA लगाई है, ना कि केंद्र सरकार ने। उन्हां कहा है कि हक्कां लई संघर्ष करन वालियां नूं सरकारां इसे तरीके नाल डराउंदियां हन। नहीं जी, देखो मैं सारी कौम नूं बेनती करना चाहवांगा भी जो NSA लाई है वो DC अमृतसर ने लाई है, पंजाब सरकार दे कहन ते लाई है,
उस नूं मंजूरी पंजाब सरकार ने दिती है ता जो इस दे विच पंजाब सरकार दा रोल ज्यादा है, हालांकि जो सेंटर सरकार है भाजपा सरकार है उन्होंने सहयोग जरूर दिता है, जो उन्होंने उत्थे लैके जाण दे विच CRPF लाई पंजाब दे विच ओह सेंटर सरकार दा रोल सी, पर ये जो कदम इस समय जो नबज है NSA तोड़न की जिहड़ी पावर है वह पंजाब सरकार दे विच है, जो पंजाब दे मुख्यमंत्री ने उन्हां कोले पावर है ते पंजाब सरकार दा उद्यम सी, जो कौम की गल नूं बड़े वड्डे पद्धर ते रखदे ने जिवें शहीद भाई दीप सिद्धू सी तां उन्हां नूं एक्सीडेंट दे विच शहीद करा दिता, मार दिता गया, भाई अमृतपाल सिंह नूं रोकण दे लई आवाज नूं रोकण दे लई उन्हां नूं NSA लागे 2500 किलोमीटर दिबड़ूगढ़ भेज दिता। हाँ, जो भी जिस नाल भी नौजवान नहीं खलोंदी है, जिस नूं भी भरमा हंगारा मिलता है, उन्हां नाल इहो जिहियां सरकारां जो घटनावां ने उह करदियां रहिंदियां। ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा दे बजट इजलास दे अज दूजे दिन खूब हंगामा वेखण नूं मिलिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान अते विरोधी धिर दे आगू प्रताप सिंह बाजवा विचकार तिखी बहस वेखण नूं मिली। दरअसल मुख्यमंत्री ने आख्या सी कि कांग्रेस हर वार विधानसभा की कार्रवाई छड्ड के बाहर चली जाती है, अजिहा इस वार ना होवे इसलिए उह ताला लैके आए हन जिहड़ा उन्होंने स्पीकर नूं गिफ्ट भी किया ते ताले दे मुद्दे ते विरोधियों दे वल्लों खूब हंगामा भी किया गया। लगभग अद्धे घंटे तो वध मुख्यमंत्री ते विरोधियों विचाले बहस हुंदी रही, इस विचाले सदन की कार्रवाई मुलतवी करनी पई। असल जे जिंदे नाल फस गए, मैं थोनू गिफ्ट दिता, मैं इन बेनती कर देना जे बाहर जाना चाहते ने तो इन्हों जा लैन दो जी, ओ तो बाद चला लेंगे फिर अपा, ताकि अंदर ना आ सकन फिर दोबारा। चलो चलो स्पीकर साहब, इन्होंने जाना है ये सच सुन नहीं सकते, इन्होंने जाना है, इन्होंने जान का कोई बहाना दे दो जी। देखो मानयोग मुख्यमंत्री साहब, मानयोग लीडर ऑफ अपोजिशन, ताला अंदरों लग रहा मिस्टर बाजवा, ताला अंदरों लग रहा है, ताला बाहरों नहीं लग रहा, ताला अंदरों लग रहा है ताकि तुम अंदर रहो। चलो जाओ स्पीकर साहब, इन्हों जान दो बाद कर लगे। मैं बेनती करदा पक्ष और विपक्ष नूं कि इत्थे जेड़ी गल जिंदरे वाली हुई है वह सिंबोलिक है कि तुसी इत्थे बैठे रहो, बिल्कुल बहना चाहिए। मैं सारे मैंबर सभा नूं बेनती करदा कि जिन्हां लोकां ने आपां नूं इत्थे वोटां पा के भेजिया, अपनी नुमाइंदगी देण लई भेजिया, उन्हां लोकां दी अपने तो यह तवक्को है कि असी उन्हां दे दुख दर्द नूं इत्थे रखिए। जे कोई मानयोग मैंबर किसी का दुख दर्द रखदा ते उन्हूं सुणीए, ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं कि एक धिर बोली जाती है दूजी धिर वॉकआउट करके चल जाए। सो 10 मिनट इतने हाजरी लाई आती आप चल गए, उस गल बिल्कुल सिंबोलिक तौर से मुख्यमंत्री साहब ने ठीक कहा। एक मिनट स्पीकर साहब 4-5 दिन पहला रवनीत बिट्टू होरी म्यूनसिपल कमिश्नर के दफ्तर नूं ताला लगाउण गए सी, वह ताला ठीक है, ए ताला अंदरों ला रहे हैं अंदरों, ताकि तुसी इत्थे बैठे रहो, तुसी नजारे लैण वास्ते आए हो, 2 मिनट मुर्दाबाद करो, फोटो छप गई चलो ताला लवाओ। मैं सर कांग्रेस पार्टी दोपहरों बाद कांग्रेस वालों सदन दे विच वर्कआउट कर दिता गया। इस दौरान पत्रकारां दे नाल गलबात करदे हुए विरोधी धिर दे आगू प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान सत्ता दे नशे दे विच चूर हो के विधानसभा की कार्रवाई का उलंघन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी की ताकत भगवंत मान के दिमाग से चढ़ गई है, जिस कारण वह सारिया परंपरावां भुल गए हैं। बाजवा ने दोष लगाया कि विधानसभा दे विच 2-3 वार मुख्यमंत्री ने गाल कढ़न की भी कोशिश की है। स्पीकर साहब ने चीफ मिनिस्टर नूं कहा तुसी अपना भाषण शुरू करो, उत्थे तुसी बेहूदा इस्तेमाल किए गए शब्द सारिआं वास, तुसी वेख्या कन्वेंशन तोड़ियां बेहूदा इस्तेमाल किए गए शब्द, सानू सारिआं नूं वड्डा कष्ट ते तकलीफ इस गल दी। हर असैंबली दे विच तुसी वेख्या जदों इह वी
कांग्रेस की सरकार सी ते आम आदमी पार्टी ओपोजिशन में सी ये भी अपनी प्रदर्शन करती सी ये बकायदा तौर साढ़े हक हकूक च पर सारे अफसोस न गल जिहड़ा हुण सानू वॉकआउट करके आना पे कि इन्हां ने एक मेरे दलित कलीग नूं मेरे एसटीम्ड कलीग नूं सर सुखविंदर सिंह कोटली साहब आदमपुर के साडे एमएलए मेरे सजे हथ खड़े ने उन्होंने जदों इन्हां दे एक एमएलए निहाल सिंह वाले हल्के तो बिलासपुर साहब गल कर रहे सी गवर्नर दे एड्रेस ते उदों इन्हां ने मंग की भगवंत मान जी तुसी तुहाडी पार्टी ने तो तुसी वादा किया सी कि असी दलित वर्ग का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनावांगे तो दसो कदों कृपा करोगे जदों पांच सात बार इन्हां नारा लाया भगवंत मान जी ने अपने नाल दे कलीग नूं गल कही तो साढ़े भी एक साथी नूं खलोते नूं आवाज मार के कही कि मैनूं लगता इहनूं दौरा पै रहा इहनूं छित्तर संघाओ तो जुती संघाओ कहण दा मतलब इह सी कि जुती संघाओ एक दलित भरा वास्ते एक मैंबर ऑफ द एसटीम्ड हाउस वास्ते इस किस्म की गल कहनी मैं समझना बहुत अफसोस है असी अज मंग करने कि भगवंत मान तू तो गुरुआ पीर पैगंबर की जेडे दसे पातशाह का जोड़ा फलसफा है साडा मानस की जात सब एक ही पहचान तू तो इको वार दे विच इन्ना तेरे दिमाग दे विच नशा चढ़ गया चीफ मिनिस्ट्री का कि तेनू रब ही भुल गया तू पंजाब की संस्कृति पंजाब दियां कदरां कीमतां भुल गया एक अपने स्टीम्ड कुलीग नू जिन्हें बड़ी नरमाई दे विच तेनू बेनती की कि चीफ मिनिस्टर साहब तुसी डिप्टी सीएम एक दलित लैना सी कदों लोगे तो तुसी एहोजी शब्दावली एक दलित भरा वास असी हाउस का बाइकॉट करके आए इधर पंजाब विधानसभा विच बंदी सिंघां दी रिहाई दा मुद्दा भी गूंजिया जो कि मनप्रीत सिंह याली दे वलों चुकिया गया जिथे उन्हें केंद्र सरकार तो बंदी सिंघां नूं रिहा किते जाण दी मंग कीती है उन्हें कहा कि सजावां पूरियां होण दे बावजूद भी सिंघां नूं रिहा ना करना मनुखी अधिकारां दी उलंघना है जिस नाल ही पंजाब सरकार नूं उन्हां भाई अमृतपाल सिंह अते होर सिंघां नूं पंजाब दी जेल दे विच शिफ्ट किते जाण दी मंग भी कीती है साडे नाल लगातार जिहड़े वितकरे होए ने सब तो पहला तो 1947 की वंड हुई साडा बहुत वड्डा जाड़ा होया उस तो बाद सानू जराई पेशा कौम का खिताब दिता गया केंद्र की उस समय की कांग्रेस सरकार वालों अज तक भी साडे जिहड़े पंजाब दे मसले ने चाहे वह चंडीगढ़ का मसला चाहे वह पंजाबी बोलते इलाकों का चाहे पानिया का मसला वह अज तक वह मसले जिहड़े साडे हल नहीं होए दरबार साहब ते हमला होया आजाद देश दे विच साडा जिहड़ा पवित्र धार्मिक स्थान उहदे उपर ते 84 दे विच कतलेआम होए दूजे सूबियां दे विच उस समय दा जिहड़ा प्रधानमंत्री सी उस दी शह ते सिखां दे गलां विच टायर पा के साड़िया गया दिल्ली ते होर दूजे स्टेटां दे विच जिन्हां नूं अज तक भी दोषियां नूं सजा नहीं मिल सकीआं लेकिन हुण जिहड़ियां घटनावां पिछले समें दे विच जिहड़े बंदी सिंह जिहड़े साडे जेलां दे विच बंद ने जो जिन्हां उहनां दा कसूर सी उन्हां दा दोष सी ओह आपदियां सजावां पूरियां कर चुके ने लेकिन 25-30 साल हो गए अजे तक उन्हां नूं रिहा नहीं कीता गया सो मैं सदन राही केंद्र सरकार तों मंग करदा कि साडे उन्हां बंदी सिंघां नूं तुरंत रिहा कीता जावे जिहड़े अपणियां सजावां पूरियां कर चुके ने अते सिखां नूं इंसाफ दिता जावे उहदे नाल ही सरदार अमृतपाल सिंह अते उन्हां दे साथी जिहड़े तकरीबन 11 महीने तों असाम डिब्रूगढ़ जेल दे विच बंद ने उन्हां दे भी जिन्ना कसूर सी कानून दे दायरे विच रह के उन्हां ते कोई कार्रवाई हो जांदी लेकिन जिहड़ी NSA लाई गई है शरेआम ਉਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖੜ ਥਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
कि मैं गंदा हो जावांगा, जो कि उसका वहम है। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस दे विच एक होर है, उस मित्र प्यारे का कोई प्यार नहीं है, उन्होंने हालत उस ट्रेन वांग हो गई है जो कि कटूहा तो बिना ड्राइवर दौड़ती फिर रही सी। तो भगवंत मान वालों की गई इस टिप्पणी का भी नवजोत सिद्धू जवाब देंदे हुए विखाई दिते। अच्छा सारे जवाब नहीं ना तेरे को देखो जो जवाब नहीं होंगे जेड़ा बंदा बगलोल होंगे बगलोल समझदा ना समझा दी समझ नहीं आती जेड़ा बंदा बगलोल होंगे ना उसके पल्ले कुछ नहीं होंगे फिर गल पैंदा एजेंडे दे उत्ते कोई जवाब नहीं ना संतरिया दे जवाब पर्सनल अटैक कीता जी संतरिया दे जवाब पर्सनल अटैक करके इहनूं ऐ लगदा वी पर्सनल अटैक करके शायद मैं गंदा हो जांदा चन्न ते थुकेगा थुक तेरे मूंह ते डिगू ठीक नहीं वे ट्राई करी आ सुनो मेरा किसे नाल कोई गल सिद्धू साहब जिवें कि तुसीं प्रियंका गांधी ने मीटिंग कीती सी कि कोई पंजाब दे एजेंडे दी कोई गलबात हुई है हुण फिर इतना मोड़ रहे हो भटका रहे हो अच्छा तुसीं संतरा ही क्यों कहा मतलब फ्रूट तां होर भी ने छोटे मोटे चलो अंब कह दे किसान आगुआ ने केंद्र सरकार उत्ते किसानी मंगा मनवाउन दा दबाव पाउन लई 10 मार्च नूं देश विच 4 घंटे रेल रोको दा ऐलान कर दिता है। अते देश दे किसानां नूं विरोध प्रदर्शनां लई 6 मार्च नूं दिल्ली चलो दा सद्दा वी दिता गया। उन्होंने ऐलान किया कि 6 मार्च नूं पंजाब ते हरियाणे नूं छड्ड के देश दे बाकी हिस्सों तो लोग पैदल बसां ते रेल गड्डियां राहीं कौमी राजधानी दिल्ली पहुंचणगे, जदों की खनोरी अते शंभू बार्डरां ते अंदोलन इसे तरह जारी रहेगा। मैं सरबण सिंह पनेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी तो केएमएम ते एसकेएम गैर राजनीतिक वालों कल शहीद सुभकरण सिंह जी की अंतम अरदास दे विच शहीदी समागम जिहड़ा ऐलान किया वा सरकार कह रही सी भी तुसी ट्रैक्टर ट्रालियां नूं छड्ड के जिद्दां मर्जी चले जाओ पर पंजाब वाले असी दिल्ली जाण ते कायम हैगे आ उदों पंजाब हरियाणा दिल्ली जाऊगा ट्रैक्टर ट्रालियां दे जदों राज सरकार राह खुल्ले दऊगी असी उस गल ते कायम हाँ बहुत सारे सूबे साडे आ उह ट्रैक्टर ट्रालियां ते आ ही नहीं सकदे बहुत सारे इहो जिहे खेतर आ उह चल के आ सकदे आ तो दूजे जिहड़े सूबे ने उहनां नूं असी फैसला कीता भी तुसी 6 मार्च नूं चाहे ट्रेनां राहीं चाहे बसां राहीं चाहे वह पैदल चल के भी बहुत सारे पैदल भी चल सकते उन्हां दे राहां ते वह दिल्ली जाणगे। हुण केंद्र सरकार का चेहरा नंगा करांगे ना पहलों भी ट्रेनां ते आए किसानां नूं दिल्ली च गिरफ्तार किया सीगा जां सरकार ऐलान कर देवे भी ठीक है देश के दूजे किसान आके जंतर मंत्र ते मोर्चा लड़न सानूं कोई तराज नहीं पता लग जू तो जे सरकार दिल्ली दे विच दूजियां सूबियां नूं जिन्हां ने होरना थावां ते आउणा जंतर मंत्र ते मोर्चा लाउन दूगी एक मोर्चा उत्थे चल जूगा साडे वाला मोर्चा इत्थे चलूगा। एक तां इह ऐलान हैगा जिन्हूं कई मीडिया दे विच गलत ढंग नाल पेश कीता जा रहा दूसरा असी एक तीजा मोर्चा होर डब वाली ते खोलन जा रहे हां उह भी तुहाडे सामने आजूगा जाकि जिहड़ा 10 मार्च का ऐलान हैगा 4 घंटे का रेलां जाम करन दा उह देश पद्धर ते उत्ते सारे थावां ते 12 तों 4 बजे तक जिहड़ा वे करांगे। मोदी सरकार आप दे मीडिया दे थ्रू पूरे जोर नाल प्रचार करन ते लगी हुई आ उन्हूं लगदा भी इन्हां दा मुद्दा डीरेल करिए प्रधानमंत्री जी ਉਹ 2047 ਦਾ ਪਲਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ 2014 ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਵਾਂਗੇ। चंडीगढ़ मेयर चोणा दे विच डिप्टी अते सीनियर डिप्टी मेयर दीआं चोणा विच भाजपा ने दोवां अहुदिआं उत्ते जित हासिल कर लई जिस तों बाद आप अते कांग्रेस नूं वड्डा झटका लग्गिआ। तुहानूं दस दईए कि भाजपा दे कुलजीत सिंह संधू सीनियर डिप्टी मेयर अते राजिंदर शर्मा डिप्टी मेयर वजों चुणे गए हन। चोण दौरान संधू नूं 19 वोटां हासिल पईआं जदकि उन्हां दे विरोधी धिर कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी दे गठजोड़ उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह नूं 16 वोटां पईआं।
इस तों इलावा एक वोट आयोग करार दिती गई। दूजे पासे डिप्टी मेयर चोण दे अहुदे लई चोण विच राजेंद्र शर्मा नूं 19 वोटां पईआं, जदकि उन्हां दी विरोधी धिर गठजोड़ उम्मीदवार निर्मला देवी नूं 17 वोटां ही पईआं हन। अज दिन दिहाड़े मोहाली दे विच वड्डी वारदात वापरी है। तुहानूं दस दईए कि मोहाली एयरपोर्ट रोड उत्ते ताबड़तोड़ फायरिंग करके गैंगस्टर राजेश डोगरा मोहन की हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक जम्मू का रहने वाला सी ते हुआ अज सवेरे सैक्टर 67 दे सीपी मॉल दे विच शॉपिंग करन गया सी। जिवें ही नौजवान बाहर आया, हमलावरां वल्लों उसते 15 राउंड फायर किए गए, जिस मगरों उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुँच के मामले की जाँच शुरू कर दी है। एक्टिवेट हो गई है ते असी सानू कुछ लीड्स भी काफी है दे विच है ते छेती जेड़ा है ये ट्रेस भी कर लिया जाएगा ते सख्त तो सख्त कार्रवाई जेड़ी है। अंदर आया सी जा अंदर जा रहा सी मॉल दी नी मॉल तो बाहर नु जा रहा सी गा अच्छा गोले चलाउण वाले किन्ने सी ए 4 तो 5 जेड़े है फिलहाल दसे जा रहे हैं। किन्ने राउंड फायर होए ते किन्नियां हिट होईयां ए करीब 10 के आसपास जेड़े है राउंड्स दी आशंका है गी। बाकी सी डिटेल सारी फोरेंसिक टीम साडी मौके ते आ गई। ਤਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਆਟਾ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 8 ਕਰੋੜ किलो का महीने का बन जाता 24 करोड़, तकरीबन 300 करोड़, 288 करोड़ रुपया साल का बन गया। 384 करोड़ रुपया जी इस फर्म ने वो आटा पीसण का रीपैकेजिंग करन दा लेना। बारदाना जिहड़ा पिलफरेज हुई है 100 करोड़, मॉडल फेयर प्राइस शॉप्स 38 करोड़ रुपया, जिहड़े भगवंत मान के बैग है तकरीबन 125 करोड़ रुपया साल का। यह सारा कुछ ये तकरीबन तुसी 1000 करोड़ के नेड़े 950-950 करोड़ रुपये तो उपर की अमाउंट टोटल बन जाती है। तुसी ये जो कंपैरिजन हुण आपां करिए, यही सारा काम 47 पैसे दे विच डीपू होल्डर करता से, 47 पैसे पर केजी दे विच डीपू होल्डर करता सी। ते जे इन्नी कणकी सारी डीपूआं राही वंडी जांदी 4.25 करोड़ रुपया लगता से, जिहड़ा अज 1000 करोड़ रुपया मित्तल साहब दे राही फोटोआं तुहानूं दिखाईआं गोल्डी जी ने, अरविंद केजरीवाल ते ससोदिया दा खास RK मित्तल, RK इंडस्ट्रीज़ ते वृंदावन इंडस्ट्रीज़ दा मालक RK मित्तल, जिहड़ा आम आदमी पार्टी दी दिल्ली दी लीडरशिप दा खास टेंडर कढ़िया जांदा है, जिहड़ा पंजाब दे विच टेंडर होना है, पंजाब दा काम है ते पंजाबी दे किसे अखबार दे विच टेंडर नहीं आउंदा,
पंजाब के किसी अखबार के विच टेंडर नहीं आता। सो ये सारा कुछ इस मित्तल दे राही आम आदमी पार्टी की लीडरशिप दीयां जेबां दे विच जाना। 1000 करोड़ रुपए की लुट पंजाब दे खजाने की राशन की डिस्ट्रीब्यूशन नू डिलीवरी नू लैके इन्होंने की है। तो मैं जिहड़ी ताई कंपैरिजन तुहानू देनी चाहुंदा सी जिथे 18,000 डिपू होल्डर काम करदा सी 4.25 करोड़ रुपये च, तो अज मित्तल साहब नू 1000 करोड़ रुपया उस काम का दिता जा रहा। मदर ऑफ ऑल स्कैम्स जिन्हों आप कह दिए, पिछली सरकार दे विच जे तुहानू याद होवे तां मनरेगा का बड़ा वड्डा स्कैम, क्योंकि वह भी मैं कंपैरिजन क्यों कर रहा है क्योंकि वह भी एक गरीब। सो फिलहाल दे लई पंजाब न्यूज़ विच ही नहीं, मैनूं दुआ गया, धन्नवाद।